लिए बढ़िया अगर श्रृंगार कहीं पर बनारस में होता है तो वो यही त्रिदेव मंदिर में ही होता है। यहाँ दर्शन करिए हमारे श्याम बाबा के, कितना अच्छा श्रृंगार ये हुआ है, हो चुका है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हर हर महादेव दोस्तों, आज से पहले आपने इतना सुंदर श्रृंगार कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत खूबसूरत श्रृंगार हुआ है हमारे त्रिदेव मंदिर में, दुर्गा कुंड के पास स्थित त्रिदेव मंदिर। आज यहाँ पे भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। यहाँ त्रिदेव मंदिर अभी हम आए हुए हैं, सावन का मेला है और आज सावन का आखिरी रविवार भी है, तो आज रविवार के दिन यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है हमारे भगवान का, हमारे त्रिदेव भगवान का। यहाँ पर तीन भगवान का साथ विराजमान किया गया है, तो आइए मैं किसी से आपको अंदर ले चलते हैं और भगवान के दर्शन करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ भक्तजनों की, यहाँ पर दर्शकों की बहुत ही यहाँ भीड़ है, अंदर जाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और झांकी के दर्शन करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भक्तजनों कितनी संख्या में यहाँ भीड़ लगी हुई है, अंदर जाने की एंट्री तक नहीं मिल पा रही है, इतनी संख्या में भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और बहुत ही सुंदर अभव्य श्रृंगार किया गया है, लगता है पूरा बनारस यहाँ उतर के आया बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत ही देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कलाकारी की गई है, ये बहुत ही ज्यादा वो अलौकिक भी लग रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा पूरा व्यू आ रहा है। और अभी यहाँ पर लाइट जो शाम की लाइट जल जाएगी तब तो व्यू एकदम देखने लायक होगा। और अंदर जाने की एंट्री बहुत मुश्किल से लोगों को मिल पा रही है क्योंकि इतनी लंबी संख्या में लोग आए हुए हैं कि बहुत मुश्किल है कि अंदर वो भी वो जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ बाहर से ही एक यहाँ पर LCD लगी हुई है, तो उस पर मॉनिटर पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग तो बाहर से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका इंतजार पूरे साल हम करते हैं कि ये दिन कब आएगा और कब हम इस श्रृंगार के दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार यहाँ बाबा के हमारे होते हैं, जिससे किस तरह से पूरा फूलों से और फलों से श्रृंगार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत झांकी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर एवं कितनी खुशबूदार आ रही है, पूरे ही फूलों की और फलों की खुशबू यहाँ से पूरा मन जो पूरा ये वातावरण पूरा मन मुग्ध कर रही है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रांगण है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद से, जो लोग अभी तक नहीं आ पाए वो बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं, और क्या पछताएंगे, मैं ब्लॉग की मदद से वो भी ये चीज़ देख पाएंगे कि बनारस में कितना ज़्यादा सुंदर ये पूरा ही जो श्रृंगार हुआ है, बहुत ही गजब का ये हुआ है। तो देखिए हम अंदर आ चुके हैं और कितना ज्यादा ये पूरा प्रांगण हुआ है और पूरा खुशबू जब मोगने की आ रही है ना, बहुत ही ज्यादा ये पूरा वातावरण सुगंधित कर रही है, बहुत ही ज्यादा मनोरम ये दृश्य हुआ है। श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, क्या ही खूबसूरत व्यू होने वाला है, किस तरह से यहाँ की गई है, पूरा ही बहुत ही ज्यादा आपको दिखाऊंगे, बड़ी बारीकी से ये चीज़ें दिखाने वाली हूँ आपको कि आप लोग नहीं आ पाए, महसूस आपको नहीं होगा कि आप यहाँ पर नहीं आए हुए हो। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्ते दीदी। और यहाँ पर किया गया है बहुत ही ज्यादा, ये पूरा कितने फाउंटेन लगाए गए हैं, ये जो खुशबू आ रही है बहुत ही अलौकिक दृश्य यहाँ पे आप कर पा रहे हैं, राधा और कृष्ण की दीदी। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर झांकी लगी हुई है, कितना खूबसूरत दृश्य हुआ ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये पूरा ही खुशबू से वातावरण से संबंधित हो चुका है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अनानास से पूरा ही यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा अलौकिक भी लग रहा है, मतलब इतना ज्यादा सुंदर ये श्रृंगार मैंने आज तक पूरी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं है। ये हर साल ऐसे ही होता है और हर साल बढ़ चढ़ के श्रृंगार करवाया भी जाता है। ये देखिए केला को भी यहाँ पर उतार दिया गया है, यहाँ पर नारियल भी लगाए गए हैं, किस तरह से सजावट की गई है, कितनी ज्यादा ये अलौकिक लग रही है।
और यहाँ दर्शन करिए आप हमारे श्याम बाबा की। कितना अच्छा श्रृंगार ये हुआ है और ये महा ये जो मंदिर ये त्रिदेव मंदिर होने वाला है, इधर से यहाँ पर बाबा का श्रृंगार किस तरीके से यहाँ किया गया है। पूरा हरियाली श्रृंगार ये यहाँ पर हुआ है हमारे बाबा का और हर तरफ राधे राधे का कुछ सुनाई दे रही है। पूरा जो माहौल हुआ पड़ा है बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। और यहाँ देखिए वृंदावन बिहारी लाल जय। और यहाँ दर्शन कर पे आप सलासर महाराज के साथ ही यहाँ पे अन्य कई देवी देवताएं भी जिनके दर्शन आप अभी अभी कर पा रहे हैं। और ये जो मंदिर हुआ पड़ा है ये त्रिदेव मंदिर है जहाँ पे अभी हम आए हैं। ये त्रिदेव मंदिर का कुंड भी स्थित है। हर साल ऐसे ही पर चढ़ के यहाँ पे श्रृंगार होता ही होता है। हर एक साल यहाँ श्रृंगार ऐसे ही कराया जाता है और हर साल यहाँ तो अलग होता है और हर साल भव्य भी होता है। देवी माता जी के दर्शन आप अभी अभी कर पा रहे हैं। देवी माता है जैसा कि आप देखते हैं दर्शन आप देवी माता के भी कर लीजिए यहाँ पर। और पूरा दृश्य किस तरीके यहाँ प्रसाद के रूप में सबको एप्पल भी बांटा जा रहा है, शेयर बांटा जा रहा है। यहाँ तो हमें भी मिल गया तो कितनी अच्छी ये बात है। जो श्रृंगार यहाँ हुआ है ऐसा कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत श्रृंगार हुआ पड़ा है। बढ़ाया जा रहा है लेकिन लोग है कि इतना सुंदर सुंदर नजारा वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ तो किसी का हटने का मन ही नहीं कर रहा है। ये इतना सुंदर प्रांगण के श्रृंगार जो हुआ पड़ा है इच्छा ही नहीं होती किसी की यहाँ से हटने की। दो मिनट की आग से ओझल ये हो जाए बहुत ही मुश्किल बात है। जैसे किस तरह से यहाँ मोगरे की फूल का श्रृंगार किया गया है बहुत सुंदर। लगभग एक बजे तैयारी यहाँ पर चल रही थी आज तक ये कार्यक्रम हो पाया है। और पूरे वातावरण में सिर्फ राधे राधे की गुज सुनाई दे रही है। हर तरफ सिर्फ राधे 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 ही सुनाई दे रहा है। यहाँ देखिए यहाँ बाबा को यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है। हमारे महादेव को यहाँ पर जल अर्पित किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर जल का पूरा समर्पण किया गया है और यहाँ पर निरंतर जल भी चढ़ाया जा रहा है। और हर हर महादेव तो कहना बनता ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ये तो आपने कभी से ये दृश्य देखा ही नहीं होगा जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। कान्हा जी को और हमारे राधिका जी को किस तरह से यहाँ पालने में झुलाया जा रहा है। यहाँ पर झुलोत्सव मनाया जा रहा है और ये हर साल यूं ही मनाया जाता है। लाल की जय। साल में एक बार होता है ये सावन के आखिरी संडे को और बहुत बढ़िया हरियाली श्रृंगार होता है। मतलब इसमें कलकत्ते से बंगाल पंजाब से बहुत अच्छे अच्छे कारीगर आते हैं ये बनाने के लिए और बहुत बढ़िया। इस बार ये जो है श्रृंगार जो हुआ है ये अनानास लगा हुआ है। देखिए सब जगह अनानास जो है और पान का पत्ता है पीपल का पत्ता सब लगा हुआ है इस बार बहुत बढ़िया। गोविंद जी से गोविंद जी यहाँ के अध्यक्ष आए कुछ इनसे जान लेते हैं यहाँ के बारे में। सर संडे को होता है और कलकत्ता के कारीगर आते हैं जो फूल का श्रृंगार करते हैं। फवारा आगरा के कारीगर बनाते हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं ये श्रृंगार हर साल ऐसे ही करवाया जाता है। क्योंकि आप बताया यहाँ पे भक्तों ने कि हर साल ऐसे श्रृंगार करवाया जाता है और पूरा यहाँ मोरे फूस पर श्रृंगार कराया गया है। पूरा ये वातावरण बहुत सुगंधित यहाँ पे हो चुका है और भक्त यहाँ से निकलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। जो यहाँ पे आ गया एक बार वो निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है।